नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। पाकिस्तान की राजनीति में आज एक अलग सी हलचल दिखी। एक जगह उसे IMF से राहत पैकेज मिलने का रास्ता साफ हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ वहां के वित्त मंत्री असद उमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये आकाशमार्ग तो नहीं हो सकता था कि एक जगह पाकिस्तान को IMF से राहत पैकेज मिले और वहीं दूसरी तरफ देश के वित्त मंत्री इस्तीफा दे दें। बता दें, असद उमर को वित्त मंत्रालय की जगह ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया है। अब असद उमर के इस्तीफा देते ही उन्हें बचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूरी पाकिस्तानी हुकूमत इस निर्णय को PM इमरान खान की इच्छा से जोड़ रही है। असद उमर ट्वीट करके लिखते हैं, PM इमरान खान की इच्छा थी कि कैबिनेट बदलाव के बाद मैं वित्त मंत्रालय की जगह ऊर्जा मंत्रालय का काम संभालूं। वैसे ऊर्जा मंत्रालय में मैं कोई भी पद लेने का इच्छुक नहीं हूँ। इस बारे में मैंने PM की सहमति ले ली है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिस पाकिस्तान को इतनी मिन्नतों के बाद एक आर्थिक पैकेज मिला है, उस पैकेज को दिलवाने में बड़ा हाथ असद उमर का है, फिर भी उनसे इस्तीफा क्यों मांगा गया? तो आपको बता दें, असद उमर ने पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज जरूर दिलाया, लेकिन देश की गर्दिशों में इन्हीं की नीतियों ने पहुंचाया है। काफी समय से वहां का विपक्ष इमरान खान की हुकूमत पर हमलावर था और असद उमर का विरोध हो रहा था, जिसके चलते ही इमरान खान दबाव में थे और उनको जवाब देते नहीं बन रहा था। वैसे जवाब देते भी कैसे? उनकी सरकार हर मोर्चे पर विफल जो साबित हो रही थी, वही असद उमर की नीतियों के चलते पाकिस्तान कंगाली की दहलीज पे खड़ा हो गया। आइए आपको भी बताते हैं पाकिस्तान के इस काबिल नेता के बारे में, जिसने वहाँ की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रखा है। पाकिस्तान में महंगाई दर 9.41% तक पहुँच गई है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा थी। अब महंगाई और असद उमर तो एक दूसरे के पूरक बन गए। वो कोई भी नीति बनाते, महंगाई सीधे सातवें आसमान पर जाती। पाकिस्तान में सभी वस्तु आम नागरिक की पहुंच से कोसों दूर है। टमाटर की बात करें तो पाकिस्तान में 100 रुपए किलो बिक रहे हैं, वहीं आलू के दाम में भी तेजी आई है। आलू 60 रुपए किलो से भी ज्यादा के दाम में बिक रहे हैं। अब अगर मान भी लीजिए कि पाकिस्तानी आवाम बिना आलू और टमाटर के रह भी लेगी, लेकिन बिना दूध के कैसे रहेगी? जी हाँ, असद उमर की देखरेख में दूध के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान में दूध 120 रुपए लीटर बिक रहा है, खुदरा बाजार में ये तो दाम 180 रुपए लीटर का हो गया है। वैसे असद उमर की गद्दी इसलिए नहीं गई है कि आज भी महंगाई बढ़ी है। उनकी देखरेख में पाकिस्तान की विकास दर भी निचले स्तर पर आ पहुंची है और राजकोषीय घाटा में काफी बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान की विकास दर 2019 में 3.9% रहने का अनुमान है। इसके चलते पाकिस्तान में 40 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा में आ जाएंगे। अब एक जगह भारत में नए स्तर पर लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोग गरीबी के जंजाल में फंसते चले जा रहे हैं। तो यही असद उमर के वो कारनामे हैं कि उन्हें वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का पलटाधार कर चुके, फिर भी ये कहने की हिमाकत है कि देश की आर्थिक स्थिति स्थिरता की ओर बढ़ रही है। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।